अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। चलें आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कस्टर्ड सेवैयों की रेसिपी बताऊंगी, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आपके गेस्ट आएँ तो आप मीठे में ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप सेवैयाँ ली हैं और 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिया है। मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। सब्ज़ इलायची ऐसे ही मैंने मोटा मोटा कूट लिया। आधा कप चीनी जाएगी इसमें। कस्टर्ड सेवैयाँ बनाने के लिए हमें दूध चाहिए। दूध मैंने 1 किलो लिया है। कस्टर्ड को मैंने 3 चम्मच पानी से घोल लिया इस तरह। ये मैंने चूल्हे पे पैन रख दिया और इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब मैं इसमें ये सेवैयाँ डाल दूंगी। सेवैयाँ डाल के मैं इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगी। सेवैयाँ हमारी लाइट ब्राउन हो गई हैं, साथ ही मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें दूध डालूँगी। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। सेवैयों में अच्छे से उबाल आ गए 3-4। अब मैं थोड़े से बादाम इसमें डालूंगी। मैं इसमें ये कस्टर्ड डाल दूंगी हल्के हल्के हाथ से, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये हमने कस्टर्ड डाल दिया इसमें। अब 1-2 उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। सेवैयाँ हमारी रेडी हैं। अब मैं इस पर बादाम गार्निशिंग करती हूँ। माशाल्लाह से देखें हमारी कस्टर्ड सेवैयाँ कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कस्टर्ड सेवैयों की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।